इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर की जब बात आती है तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो हमारा बेडरूम आता है, मास्टर बेडरूम हम बना रहे हैं, मास्टर बेडरूम कभी भी आप साउथ वेस्ट में अगर बनाते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में नैऋत्य कोण में, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर सदर्न हेमिस्फेयर में सेम नैऋत्य कोण में आपने अपना मास्टर बेडरूम बनाया तो वो आपको नुकसान देगा। आप अपने घर में नोटिस कर लीजिएगा, अगर आप भी सदर्न हेमिस्फेयर में रह रहे हैं और आपका बेडरूम आ रहा है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, तो आपका रिलेशन खराब होगा, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपके घर में आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत बार चांसेस होंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके घर में हो, झगड़े आपके घर में होने शुरू हो जाए और स्टेबिलिटी आपको महसूस ना हो। इसके लिए वास्तु का उपाय करेंगे, कोई